भाई यार, आज के इस वीडियो में यार मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को लिथियम आयन बैटरी रिपेयर करना सिखा दूँ, क्योंकि बना सकते हो आप बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं, चाहे आपके पास ये वाला बैटरी हो लैपटॉप का इस प्रकार से, चाहे ये कितना भी पुराना बैटरी आपको कहीं पड़ा मिल जाए या फिर खरीद के ला सकते हो, अगर ख़राब हो जाता तो भी आप इसे बना सकते हो बिल्कुल, एक भी पैसा आपकी जेब में नहीं लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत जरूर देखना, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट ऑन दिस वीडियो। तो गई यार, हमारे पास दो बैटरी है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बैटरी है और यहाँ पर एक बैटरी और है, यानी दो बैटरी है। तो यह है लिथियम आयन और ये भी लिथियम आयन है, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, जो ख़राब था हमारे घर में पड़ा था, तो इसको मैंने ओवर हीटिंग चार्जिंग की वजह से ये ख़राब हो चुका था। और ये अभी नया था गाइस, लेकिन ये भी ख़राब हो चुका है, तो इसको हम दोनों बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं इसको बनाना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, सो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी होने वाला है। तो सबसे पहले यार आइडिया काफ़ी सिंपल सा, हम इसको ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम एक गोला प्रकार लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम इसको अंदर छेद कर देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से छेद कर देंगे। और तो गाइस मैं पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर यार, क्योंकि ये ख़राब ही, वरना आप लोग सोचो यार कि बेवकूफ़ बना रहे हो, सही बैटरी था। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट रेंज कर देता हूँ, 20 वोल्ट पर सेट कर दिया है, और अब दिखाता हूँ इसका वोल्टेज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल से ख़राब है, यहाँ पर 0.02 वोल्ट बता रहा हूँ, इसका मतलब है ये बिल्कुल ख़राब है बैटरी। और यहाँ पर ये भी बैटरी ख़राब ही है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये 5 वोल्ट दिखा रहा है, ये भी ख़राब बैटरी है गाइस। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम इसको लेंगे, उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको छेद कर दिया है, और यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें लॉक लगा हुआ है, इसके लॉक को हम कट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, नाखून कटने का। तो इसको हम लेंगे और कुछ इस प्रकार से इसके अंदर लगा कर इसको हम कट कर देंगे। यार मैंने इसको कुछ इस प्रकार से हल्का सा इसमें छेद भी कर दिया है, और इसको हल्का सा ओपन भी कर दिया है, और नीचे का दबा दिया साइड में। तो गाइस यार अब मुझे लगता है ये बन गया होगा, और अब इसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर 20 वोल्ट पर फिर से सेट करते हैं, क्योंकि गाइस आपने अभी देखा था 0.2 वोल्ट बता रहा था ये। और अब मैं यहाँ पर इसको माइनस वाले को, यानी कि काले वाले वायर को यहाँ पर रखेंगे, कहीं पर भी टच कर देंगे, और प्लस वाले को यहाँ पर टच करेंगे, उसके बाद यहाँ पर रख देंगे गाइस। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पर 0. यानी कि 7.7 दिखा रहा है, तो मतलब इसका है कि बैटरी कुछ हद तक ठीक हो गया है, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम करेगा। बस इसमें चार्जिंग थोड़ा है गाइस, कम चार्जिंग है, तो इसको हम चार्ज कर लेंगे, उसके बाद ये काफ़ी अच्छे तरीके से जलाएगा। तो गाइस यार अब मेरे पास है यहाँ पर एक लाइट, जो कि आप देख पा रहे हैं ये 5 वाट का लाइट है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी करता है। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम इस वाले काले वायर को यहाँ पर हम कहीं पर भी टच कर देंगे माइनस वाले पॉइंट पर, और यहाँ पर हम लाल वाले वायर को यहाँ पर हम प्लस वाले पर टच करेंगे। तो गाइस आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी तेज़ी के साथ जल रहा है, और इसका मतलब हमारा बैटरी बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा, और अब बन भी गया है गाइस। तो दरअसल होता है गाइस यार कि इसके अंदर जब ज़्यादा ओवर हीटिंग चार्जिंग हो जाता है, तो इसके अंदर एयर भर जाता है, और वो एयर इसके लिथियम पॉलीमर की जो पट्टी होती है उसको हल्का हल्का दूर कर देता है, और इसी कारण से ये हमें वोल्टेज नहीं दिखाता है, इसके अंदर चार्जिंग होने के कारण भी हमें नहीं दिखाता है। सो इसको अब हम, ये तो बन गया गाइस, और इसको अब हम देखते हैं बनाकर। सो इसको भी हम उसी इस प्रकार से यहाँ पर छेद कर देंगे सबसे पहले, और गाइस ये बड़े सावधानी के साथ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें रिस्क भी रहता है गाइस। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। तो आप बड़े सावधानी के साथ इसको करना गाइस। तो गाइस इसके अंदर से थोड़ा सा गैस निकला हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि ये भी ठीक ही हो गया होगा। तो गाइस इसका गंध बहुत ही खतरनाक आ रहा है, स्मेल गंध आ रहा है इसके अंदर से, क्योंकि ये इसके अंदर लिथियम मेटल होती है। और अब हम इसको टेस्ट करते हैं मल्टीमीटर से, क्या इसका वोल्टेज सही आया या फिर कुछ और करना पड़ेगा इसके साथ। तो चलिए अब हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक वायर को टच करेंगे और एक वायर को यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं। तो गाइस यार ये भी मुझे लगता है सही हो गया, जो काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी करेगा। तो चलिए अब इसको भी हम टच करके देख लेते हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हैं ये भी बन गया है गाइस। ये कैसे किया तूने? वो क्या है ना, मैं आई डोंट नो। और अभी तक गाइस आपने देखा था ये काफ़ी अच्छे तरीके से दोनों का दोनों बैटरी बन गया है। और अब गाइस आप भी बनाना चाहते हो तो यार काफ़ी सिंपल है, आप फालतू में बेवकूफ़ मत बनो, और आप सिर्फ एक भी रुपया पैसा खर्च नहीं करेगा, बस आपके पास चाहे आलपिन हो या इस प्रकार से कोई भी चीज़ हो धारदार, जो इसको आप हल्का सा छेद कर दो, अगर छेद करने पर नहीं होता है तो इसके जो यहाँ पर आप गाइस पिन देख रहे हो, तो इसको हल्का सा आप चाहें तो इस प्रकार से कोई भी टेस्टर या कोई भी चीज़ धारदार लेकर हल्का सा दबा दो, ताकि इसका पिन इसके अंदर से गैस पूरी तरीके से निकल जाए, और फिर ये फाइनली काम करने लगेगा। तो गाइस यार आपने देख लिया, ये जो
दोनों लिथियम आयन बैटरी हैं जो बिल्कुल ख़राब था, हमारे घर में पड़ा था तो इसको मैंने सोचा, ये तो गाइस बिल्कुल नया था लेकिन ख़राब हो गया था यार ओवर हीटिंग चार्जिंग की वजह से, और ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना था, इसको मैंने बहुत पहले लाया था लेकिन ये भी ख़राब हो गया था गाइस, तो इसको मैंने बनाकर दिखा दिया इस वीडियो में जो कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने लाइव बनाकर दिखाया हूँ। तो गाइस यार इसी तरह के नए नए साइंस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हो और ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके बताना गाइस, कोई भी सवाल है तो वो भी पूछ सकते हो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिल सके। सो हम मिलते हैं इसके नए वीडियो में नए टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।